हुकूमत का अमन के लिए आसन इकदाम, पाकिस्तान के करतारपुर बॉर्डर खोलने की तैयारियां। नवजोत सिद्धू करतारपुर बॉर्डर खोलने की तकरीब में शिरकत के लिए आज लाहौर आएंगे। वाहका बॉर्डर पर इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। एमएनएम मोटरसाइकिल में 11 अरब रुपए की करप्शन का मामला, 25 मुलजमान को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज नजमुल हसन करप्शन केस पर समाप्त करेंगे। नंदीपुर पावर मंसूबे में 22 करोड़ रुपए के फर्नेस ऑयल चोरी होने का मामला, मुलजमान राणा महताब और दिलबर हुसैन को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि मुलजमान दिलबर डोगर राणा महताब शबीब ने प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दे दी। दोस्त दोस्त ना रहा, कैसर अमीन बट वादा माफ गवाह बन गए। ख्वाजा साद रफीक ने अपने फ्रंटमैन नदीम जिया से मिलवाया। पैरागॉन के अलावा दीगर किसी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं, कंपनी में मेरे 50% शेयर्स थे जो कम कर दिए गए। कैसर अमीन का जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू एक घंटे का बयान रिकॉर्ड। चेयरमैन नैप ने कैसर अमीन बट के वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्त मंजूर की थी। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल, ख्वाजा बरादरान की जमानत में 5 दिसंबर तक तौसी। पेशी के मौके पर अदालत के बाहर कारकुनों की नारेबाजी। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ आजमाए जाने वाले हथकंडे नए नहीं, हुकूमत की तरफ से हमारे ऊपर कहर आया हुआ है। इमरान खान ये केस खुद देख रहे हैं। जामिया पंजाब से फारिग कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा की फिर मौजें। डॉक्टर मुजाहिद कामरान की गिरफ्तारी के बाद फारिग असातिज़ा विजिटिंग फैकल्टी में तब्दील। हीले कहले कॉलेज में रिटायर्ड प्रोफेसर को विजिटिंग पर दफातर समेत तमाम मुराद दी जाने लगी। तजुर्बाकार असातिज़ा को जूनियर असातिज़ा की तबीयत का हिस्सा समझा जा रहा है। प्रिंसिपल हेले कॉलेज प्रोफेसर हसन मुबीन का मौकफ। पंजाब हुकूमत ने सेंचुरी मुकम्मल होते ही एक और यू टर्न ले लिया। पहले असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादलों और तैनाती पर पाबंदी आयद कि फिर तबादले कर दिए डाले। पंजाब हुकूमत ने 12 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादले कर दिए, नोटिफिकेशन जारी। तबादला हुआ तो फिर भी बता कर आऊँ और जाऊँ, CCPO लाहौर ने मातहत अफसरान और एहलकारों के लिए नया SOP जारी कर दिया। इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक सब एहलकारों को मुतल्लिका DIG से इजाजत देना लाजमी करार। बड़े अफसरों की बड़ी मौजें, तब्दीली सरकार भी ब्यूरोक्रेसी पर मेहरबान। सेक्रेटेरिएट और वजीर आला हाउस में तैनात अफसरान का स्पेशल अलाउंस बढ़ा दिया। हुकूमती फैसले से कौमी खजाने पर महाना 2,52,00,000 रुपए इजाफी बोझ डाल दिया गया। आदम बर्दाश्त और घरेलू कशीदगी में 3 अफराद मौत की वादी में ले गए। उस्मान ने अपनी तलाक याफ्ता बीवी आयशा को बेटे से मिलने के बहाने बुलाया। पहले साबिका बीवी पर फायरिंग की, फिर बेटे इर्तजा को निशाना बनाया। दोनों जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गए। मुलजिम उस्मान ने खुद को गोली मार कर भी खुदकुशी कर ली। खूनी वाकया थाना लिटन रोड की हदूद में LOS के करीब पेश आया। वाकया घरेलू नाचाकी का नतीजा है, SP सिविल लाइन्स। अहले लाहौर होशियार खबरदार, शहर में नकाबपोश डाकू सरगर्म। शालामार लिंक रोड पर कॉस्मेटिक्स की दुकान पर डकैती, वारदात की CCTV फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी का बड़ा फैसला, मॉल रोड, हॉल रोड, शाल मार्केट और दाता दरबार के इतराब से जावजात खत्म करने का हुक्म। DC लाहौर ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया। दाता दरबार और एतराब में तजावजात का जायजा, बाहर सामान रखने पर 3 दुकानें सील करवा दी। मैनेजर औकाफ की भी सरजनेश, हॉल रोड पर कैंप कायम कर दिया गया। ताजिर बरादरी की भी भरपूर तआवुन की यकीन दहानी। इसका क्रेडिट तो पहले मैं लाहौर न्यूज़ को दूंगा कि इन्होंने आज जो काविश की उसकी वजह से आज कैंप लग गया है, तो इंशाल्लाह ताला मैं वही कहूंगा कि कल ये कैंप लगाएंगे जहां पे हमेशा कैंप लगता था। तो सबसे पहले ये सारा दिन पहले दुकानदारों को वार्निंग देंगे और परसों से जिस तरह चाहेंगे ये उनके साथ सलूक करेंगे।
सर्दी आई, गैस चली गई। शहर के बेशतर इलाकों में गैस की इंतहाई खपत के औकात में कम प्रेशर की शिकायत पड़ गई। मजमू तलब 220 मिलियन क्यूबिक फीट से तजावुज कर गई। वज़ीर-ए-आज़म सिटीजन पोर्टल कायम होते ही SNGPL को भी होश आ गया। इंतजामिया की पोर्टल में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई की हिदायत। तमाम अफसरान को मरास्ता जारी कर दिया गया। FBR की कार्रवाई, सेफ ट्रेड्स के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। फैसल टाउन में सेफ ट्रेड्स के दफ्तर को भी सील कर दिया गया। सेफ ट्रेडर्स के जिम्मे सेल्स टैक्स की मद में 50 करोड़ रुपए वाजिब अदा हैं। फंड्स की अदम फराहमी, एंटी करप्शन की फाइल सर्दखाने की नजर हो गई। महकमा एंटी करप्शन के अपर माल पर कायम दफ्तर को तब्दील करने का मामला एक बार फिर लटक गया। दफ्तर को तब्दील करने के हवाले से मुतअद्दिद बासमरी हुकूमत को इरसाल की गई थी। सिखों के मजहबी मकामात तज़ीनो आराइश के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। ननकाना साहब को मॉरल शहर बनाया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की बरतानिया और कनाडा से आए सिख यात्रियों के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगु। क्या एस्पिरिन का रोजाना इस्तेमाल दिल की बीमारियों से बचाता है? यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का एस्पिरिन पर तहकीक शुरू करने का फैसला। तहकीक के दौरान मुल्क भर से 29,000 अफराद पर एस्पिरिन का क्लिनिकली ट्रायल किया जाएगा। DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के इंतखाबात की गहमा गहमी। डिफेंस गोल्ड मार्केट के जरिए तमाम अलखिदमत ग्रुप के एजाज में तकरीब। ताजरों का मियां तलत की भरपूर हिमायत का ऐलान। मियां तलत बोले, दोस्तों के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। रियल स्टेट के शोबे में इनकलाबी इस्लाहात लाएंगे। महकमा दाखिला पंजाब स्टेज अदाकारों और डांसरों के खिलाफ इन एक्शन। 21 अदाकारों को फहाशी फैलाने के इल्जाम पर शोकास नोटिस। खुशबू, निदा मलिक, हिना शेख समेत दीगर अदाकारों के नाम शामिल। 7 रोज में जवाब तलब। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जेर एहतमाम 3 रोजा अदबी मेला सज गया। 7 मुख्तलिफ शहरों से पंजाबी कॉलेज की टीमों की शिरकत। तलबा ने इंग्लिश और उर्दू के तकरीरी मुकाबलों में तबाह आजमाई की। शायर डॉक्टर फराक अब्बास ने भी अपनी शायरी का जादू लगाया। कॉलेज इंतजामिया की जानिब से मेहमानों में तहाइफ तकसीम। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में मुख्तसर तरीन फिल्म तैयार करने के मुकाबले मुख्तलिफ जामियात के तलबा ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। बेहतरीन फिल्म तैयार करने वाले तलबा में इनामात और सील्स तकसीम। और कौमी विमेन हॉकी चैंपियनशिप, पहले रोज 4 मैचेस खेले गए। खवातीन खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। पाक आर्मी, पंजाब वाइट, बापटा, पाकिस्तान रेलवे की टीमों ने जीत अपने नाम की।